गाइस आज बात करते हैं इसके 2022 मॉडल के बारे में, तो क्या चेंजेस करने चाहिए होंडा गो इसमें। तो बाइक के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स उठ चुके हैं वाइट वाइट कलर के, तो अभी वॉश करना पड़ेगा। तो यस एंड बाइक मैंने वॉश कर दी थी, बट वो थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं मेरे को, तो फिर से वॉश करना पड़ेगा। एंड मौसम एकदम क्लियर है गाइस, तो अभी निकलते हैं एंड तो अपनी बाइक जो है वो 735 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी मेरे को सेकंड सर्विसिंग करना है। सेकंड सर्विसिंग से पहले गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि सेकंड सर्विसिंग 1000 से 1500 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी होगी, तब आप सेकंड सर्विसिंग के लिए दे सकते हो बाइक, बट मेरी उतनी हो चुकी है। बिकॉज जब लॉकडाउन चल रहा था अप्रैल में, तब मैंने ये बाइक परचेज की थी। एंड उसके बाद गाइस वो स्पीडोमीटर था वो चालू नहीं किया था, 3 महीना बंद था, तो दैट्स वाई। एंड मैंने उसमें बहुत ज़्यादा बाइक चला ली थी। अभी 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुका होगा बाइक को, बट 3 महीना लॉकडाउन था, तो दैट्स वाई गाइस परसों मैं सर्विसिंग के लिए डाल दूंगा मैं बाइक को। अभी यहाँ पे सिग्नल लग चुका है, यहीं पर रुकते हैं यार। हर बार का यही है, मतलब मैं आता हूँ एंड सिग्नल लग जाता है भाई यार। अब ये तो कुछ देखो कैसे यार, मतलब कि कहीं से भी टर्न मार लेते हैं यार। मैं आ रहा हूँ स्पीड में, दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक्स टू द एबीएस गाइस, एबीएस बिठा है उसके वजह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ स्पीड इस गाड़ी में। एबीएस इज इम्पोर्टेंट यार, मतलब कि कौन सी भी गाड़ी लोगे एबीएस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस एबीएस हमको सेव करता है। तो एबीएस इज इम्पोर्टेंट, कभी भी बाइक ले रहे हो तो एबीएस देख के ही लेना, मेरा सजेशन है। ओके तो यहाँ पे भी खुल चुका है। गाइस आज बात करते हैं इसके 2022 मॉडल के बारे में, तो क्या चेंजेस करने चाहिए होंडा गो इसमें, तो ये बात करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज है पूरी तरह से, तो एक शांति से प्लेस पे जाके मैं आपको बताता हूँ, तो यही पे चलते हैं, यही तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो यही पे रोकते हैं गाड़ी को। मतलब मैं यहीं पे आता हूँ अक्सर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी शांति रहती है। मतलब कि 2022 में होंडा को क्या चेंजेस करने चाहिए यूनिकॉर्न में, तो सबसे पहले गाइस मुझे लगता है कि एबीएस चेंज, मतलब एबीएस दोनों तरफ देना चाहिए, रियल में एंड फ्रंट में भी। अभी फ्रंट में तो आ चुका है, पर रियल में नहीं आया है, तो आई थिंक रियल में भी देना चाहिए इन 2022, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रहेगा ऑल दोज गाइज जो लॉन्ग राइड्स करते हैं उनके लिए, बिकॉज उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इन हाईवे, और एबीएस सेव द लाइफ। सो एबीएस आई थिंक मेरे को रियल में भी देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। सेकेंड चीज गाइज, जो कि बाइक जो है वो थोड़ी स्पोर्टी लुक में दिखनी चाहिए, तो आई थिंक मतलब कि जो FZ है फिर NS है उनकी वैसे नहीं, बट कुछ स्पोर्टी लुक में दिखनी चाहिए। एंड जो इंजन है गाइस वो भी थोड़ा स्पोर्टी सा चाहिए 2022 में। इसकी बात करते हैं गाइस, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसकी जो किक है वो बहुत ही हार्ड है गाइस, अभी मैंने कितने बार मतलब दबाई होगी, मतलब किक किया होगा बट चालू ही नहीं हुई है इसकी किक मेरे से। तो दैट्स वाई गाइस उसकी किक मैं आई थिंक मैं जब सर्विस सेंटर जाऊंगा तब मैं उनको दिखाऊंगा ये किक मेरे से चालू नहीं हो रही है, बिकॉज उसको बुलेट की जैसी किक आई थिंक यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एंड बाकी ऑल दोस गाड़ी में उन्होंने, मतलब कि मेरे फ्रेंड जो गाड़ियाँ हैं उनमें VS6 में आई थिंक किक लग रही है, बट इसकी जो किक है मेरे से नहीं लग रही है। तो अभी मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा तब मैं उनको दिखाऊँगा कि किक का क्या इशू है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो या किक में भी चेंजेस करने चाहिए इन 2022। और एक बात है गाइस, इसमें जो 5th गियर है वो अभी 6th गियर में कन्वर्ट होना चाहिए, बिकॉज ये PS4 से लेके PS6 में 5th गियर में ही आ रही है ये बाइक, तभी आई थिंक 2022 में 6th गियर भी देना चाहिए इस बाइक में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा 6th गियर आ गया तो। बाकी गाइस बाइक एकदम सही है। एंड एक चीज़ गाइस,
2022 में गाइज जो हेडलाइट है, तो जो ये हेडलाइट है गाइज उसमें बहुत ही चेंज करना चाहिए, जबकि लो बीम में, बिकॉज जो सरफेस है वो कवर ही नहीं हो रहा है इन रोड, तो आई थिंक गाइज इसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहिए हेडलाइट में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है हेडलाइट को लेके, हेडलाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए होंडा को। बाकी गाइज बाइक एकदम सही है, होंडा गाइज माइलेज के लिए जानी जाती है, तो माइलेज बहुत ही बढ़िया है, तो ये कुछ चेंजेस गाइज करनी चाहिए, बाकी गाइज बहुत ही बढ़िया है बाइक, बढ़िया है। एंड अभी चलते हैं, तो ये कुछ चेंजेस करने चाहिए इन 2022 गाइज, बिकॉज लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं इस बाइक के रिलेटेड, उनके लिए यूनिकॉर्न होंडा के लिए जाना जाता है, एंड ये चेंजेस कुछ करने चाहिए। बहुत सारी बाइक गाइज सेल आउट हो चुके हैं होंडा की, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक यूनिकॉर्न की सेल है, तो यूनिकॉर्न के ऊपर गाइज काम करना चाहिए, होंडा को काम करना चाहिए, बेस्ट सर्विस देना चाहिए। एंड तो ऑल दोस गाइज मैं अभी सर्विस सेंटर डालने वाला हूँ, तो देखते हैं गाइज कितना अभी कॉस्ट होता है एंड क्या क्या चेंजेस करते हैं, बिकॉज ये मेरी सेकेंड सर्विसिंग है, एंड अभी 3 महीने के बाद बुलाया था एंड मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट चला ली है अपनी, तो यार आज बहुत ही धूप है। ये कुछ चेंजेस गाइज करने चाहिए होंडा को इन 2022, तो कि बहुत ही बढ़िया हो जाएगी होंडा यूनिकॉर्न। एंड गाइज कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जब मैं 60-70 किलोमीटर की राइड करता हूँ तब थोड़ा पेन होना चालू हो जाता है बैक में, तो कुछ कंफर्ट में थोड़ा आई थिंक सीट में कुछ थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। ये वीडियो यही पेन करते हैं गाइज, तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक करना है, नहीं आया तो आपको डिसलाइक करना है, तो अगर यूनिकॉर्न लेनी है तो शेयर करो एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा करो जो कि मैंने किए हैं, ऑल दोस रिव्यू वीडियो, फिर टॉप स्पीड वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाओ मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, एंड गाइज नहीं आया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं और किसी ब्लॉग में और किसी वीडियो में, टिल देन अभी के लिए गाइस बाय बाय, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।